का पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 39 पर पहुंचा। यह हमारे लिए राहत की बात है। बीते दिनों की तुलना में आज बाधितों की संख्या में कमी नजर आई। 30 मार्च की कोरोना अपडेट पर नजर डाली जाए तो अचानक कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में कमी नजर आई। जिले में पिछले 24 घंटे में 125 लोगों ने कोरोना पर मात की है तो 39 कोरोना बाधित मरीज नए से सामने आए हैं। पॉजिटिव के आंकड़ों में अचानक कमी आने से लंबे समय के बाद सभी को राहत मिली है। तो वहीं एक बाधित की मृत्यु हुई है। जिले में अब तक कुल बाधितों की संख्या 27,477 पर पहुंची है। साथ ही शुरुआत से लेकर अब तक ठीक होने वालों की संख्या 25,062 हुई है। हाल में 1990 बाधितों पर उपचार शुरू है। अब तक 271,655 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 240,731 नमूने निगेटिव आए हैं। आज मृत होने वालों में गढ़ी सुरला तहसील मूल यहाँ के 52 वर्षीय पुरुष का समावेश है। जिले में अब तक 425 बाधितों की मृत्यु हुई है। इनमें से चंद्रपुर जिले के 385, तेलंगाना 1, बुल्डाना 1, गढ़चिरौली 20, यवतमाल 16, भंडारा 1 और वर्धा यहाँ के 1 बाधित का समावेश है। आज बाधित आए 39 मरीजों में चंद्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र के 26, चंद्रपुर तहसील 2, नागभीड़ 1, सिंदेवाही 1, राजुरा 2, चिमूर 1, वरोरा 3 और अन्य स्थान के 3 मरीजों का समावेश है। कोरोना के मरीज कम अधिक प्रमाण में बहुतांश तहसील से पाए जा रहे हैं। नागरिकों ने कोरोना पूरी तरह से खत्म हुआ इस मानसिकता से बाहर आए। नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोए, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, इस त्रिसूत्री का नियमित रूप से पालन करें और सुरक्षित रहें। ऐसा आह्वान जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने किया है।